तो आपातकाल की बरसी को भाजपा लोकतंत्र रक्षा दिवस के रूप में मनाने जा रही है। 25 जून को भाजपा देश भर की मीसाबंदी और एनडीआर का सम्मान करेगी। मध्य प्रदेश भाजपा भी 25 जून को आपातकाल की बरसी पर कई कार्यक्रम करेगी। हालांकि इस दौरान भाजपा के कद्दावर नेता रहे घनश्याम तिवाड़ी का सम्मान नहीं होगा। प्रदेशाध्यक्ष बद्रीनाथ सैनी ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर कहा था कि सभी मीसाबंदी का पार्टी सम्मान करेगी, लेकिन जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने कहा कि तिवाड़ी आपातकाल लगाने वाली पार्टी में ही चले गए हैं, तो फिर क्यों हम उनका सम्मान करें। 25 तारीख को आपातकाल विरोधी दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्वागत किया जाएगा जो लोग जेलों में उस वक्त गए हुए थे, और 26 तारीख को जयपुर में 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उन सभी लोगों का स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, और आपातकाल की जो कड़वी यादें हैं उनको कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, और उसी के साथ साथ जनता को भी ये बताने का प्रयास हम करेंगे कि आपातकाल 1975 में लगा था जिसमें लोकतंत्र का गड़ा घोटा गया, प्रेस की सेंसरशिप खत्म की गई और नेताओं को, विपक्षी नेताओं को सबको जेलों में बंद कर दिया गया। मोदी जी आज विपक्ष का महत्व बता रहे हैं, उस वक्त विपक्ष का महत्व खत्म हो गया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग इस आपातकाल को याद रखते हुए और भविष्य में इस प्रकार का आपातकाल न लगे और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद रखेंगे जिन्होंने इस दौरान संघर्ष किया।